नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव राव। डीएलएड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पर्यावरण शिक्षण की चुनौतियों के बारे में। सामान्य रूप से पर्यावरण शिक्षण पढ़ाने के लिए अध्यापकों को थोड़ी सी तैयारी की ज़रूरत तो है ही है, क्योंकि हमें ये मानना पड़ेगा कि जो ज्ञान के स्रोत हैं वो बहुत हैं। बच्चे अपने पास से, अपने आसपास से, अपने अभिभावकों से बहुत सारा ज्ञान लेकर के आते हैं, और इस ज्ञान को अध्यापक के रूप में हमें संभालने की, संजोने की और सही जगह पे लाने का प्रयास करने की एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें सभी के मूल्यों को समझना है और सम्मान देना है। एक और चुनौती हमारे पास में है, वह है अभिभावक एवं समुदाय को भी अधिगम प्रक्रिया में लाना। मतलब हम खाली कक्षा में पढ़ा करके पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें हमारे साथ में जो बच्चा पढ़ रहा है उसके अभिभावकों को और उसके साथ में जो लोग हैं, आसपास के जो पड़ोसी हैं, उनको भी इस अधिगम प्रक्रिया में लाने का प्रयास करने की बहुत बड़ी चुनौती है। एक और बात भी है कि क्योंकि पर्यावरण अध्ययन एक संदर्भित विषय है, तो परिस्थिति, विद्यार्थियों की अलग अलग समस्याएं, उनके पढ़ न पाने में आने वाली रुकावटें, उनको अवसर मिलना या न मिल पाना या अलग अलग अवसर मिलना, इन सबको समझ पाना और कक्षा में प्रयोग करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अनुभवों से अध्यापक के रूप में हम लोगों को ज्ञान के सृजन करने में सहायता मिलती है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि बच्चा अलग अलग अनुभव लेकर के आता है, और इस अनुभव के साथ में हम जिस उद्देश्यों के सृजन को चाहते हैं उनको समझने के लिए बहुत सहनशीलता, बहुत शांति, बहुत रचनात्मकता चाहिए होती है। साथ ही साथ अवलोकनों एवं अनुभवों में भी संबंध स्थापित करने में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे जो देखते हैं और जो उससे जो अनुभव करते हैं या जो उनके अभिभावक उनको अनुभव करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनमें संबंध नहीं होता है। जैसे कि जब बच्चे अपने अभिभावकों को पेड़ों को काटते हुए देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है पेड़ काटने के लिए हैं, लेकिन वहीं जब अपने अभिभावकों को वह बीज लगाते हुए देखते हैं तो वह ये भी देखते हैं कि पेड़ काटने के साथ साथ उनको बीज भी लगाने चाहिए। लेकिन इस बात को समझने के लिए, समझाने के लिए हम अभिभावकों को बच्चों के साथ साथ उनके घरों तक जाना पड़ेगा, उनके खेतों तक जाना भी पड़ सकता है। एक और भी चुनौती है, वह है विभिन्न संबंधों को पूर्व ज्ञान से जोड़ने की चुनौती। जो संबंध हमने आज स्थापित किए हैं वह कल होंगे या नहीं होंगे, या जो संबंध आज हम स्थापित करना चाह रहे हैं और जो संबंध उन्होंने पहले प्राप्त किए हैं उनको जोड़ना चाहिए कि नहीं, और अगर जोड़ना चाहिए तो किस तरीके से जोड़ना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है हम अध्यापकों के साथ जो पर्यावरण शिक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। एक और चुनौती है, बच्चे सीख कैसे रहे हैं इसको भी समझने की चुनौती होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम जैसा बता रहे हों बच्चे वैसे ही सीख रहे हों। क्यों? क्योंकि हमें पता है बच्चों का अपना ज्ञान का संसार है, उनकी सोचने और समझने की क्षमता बहुत अलग है और वो सीखते भी अपने ही तरीके से हैं। इसको भी समझने की आवश्यकता है कि बच्चे सीखते कैसे हैं और समझते कैसे हैं। और अगर हमारी कक्षा में अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, वो अलग अलग तरीके से सीखते हैं, तब तो फिर तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको अलग अलग क्रियाएँ करनी पड़ेंगी, अलग अलग तरीके से उनको समझाने का प्रयास करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम लोग आपके साथ में इसीलिए हैं। अगर हम चुनौतियों को विभाजित करें तो मूलतः यह 3 से 4 प्रकार की हो सकती है। समय एवं संसाधनों का प्रबंधन, पाठ्यक्रम संबंधी चुनौतियां और कक्षा संबंधी चुनौतियां। कक्षा संबंधी चुनौतियों को देखते हैं।
सबसे पहली जो चुनौती है वह है छात्र केंद्रित पद्धति, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन अध्येता केंद्रित होता है, इसलिए यह बहुत मुश्किल होता है कि हम अपने शिक्षण को छात्र केंद्रित बनाएं। हम जो पढ़ाएंगे वह छात्र को पता होना चाहिए, हम जो पढ़ाना चाहते हैं वो उस पे ही जोड़ सकते हैं जो बच्चे को पता है, और फिर हमें उन्हीं उदाहरणों को लेना पड़ेगा जो बच्चों को पता हो, बच्चों ने देखे हो। इस कार्य को करने के लिए हम अध्यापकों को बहुत तैयार होने की आवश्यकता है। अध्यापक के पर्यावरण के स्थान पर बच्चों को उनके पर्यावरण को समझने की सहायता करनी चाहिए। अमूमन हम अध्यापक यह प्रयास करते हैं कि हमें जो पढ़ाना है, जो हमें पर्यावरण के बारे में पता है, वह हम बच्चों को बताएं। लेकिन होना इसका उल्टा चाहिए। बच्चों को उनके पर्यावरण को समझने में हम अध्यापकों को समझाने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षण से अधिगम की ओर जागरूक रुख रखें, मतलब हम पढ़ाने से ज़्यादा बच्चे कैसे सीख रहे हैं इसके लिए जागरूक हों। कोई आवश्यकता नहीं कि हम कक्षा में एक नॉर्मल लेक्चर से ही उनको सिखाएं और पढ़ाएं। हम उनको उनके अनुभवों से भी पढ़ा सकते हैं और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। जब हम यह करते हैं तब हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा समझने और समझाने का तरीका है वह एक लचीला तरीका हो, क्योंकि जब तक पर्यावरण अध्ययन में समझने और समझाने का तरीका लचीला नहीं होगा तब तक बात नहीं बनने वाली। एक ही तरीके से पूछना, एक ही तरीके से बताना, हम चाहते हैं कि बच्चा हमें वही उत्तर दे जो हम चाहते हैं, हम चाहते हैं बच्चा वही बात बताए जो हम चाहते हैं, वह हमारे पर्यावरण अध्ययन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकता है। कक्षा संपादन में हम अध्यापकों को मुख्य प्रश्नों को सम्मिलित करना चाहिए। मुख्य प्रश्नों को सम्मिलित करने से तात्पर्य हमें बच्चों को जो हमारा उद्देश्य है शिक्षण का, शिक्षण बिंदु का, उससे जोड़ करके प्रश्न करने चाहिए। जब हम इन प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे तो हम उन प्रश्नों से जुड़े हुए बच्चों के अनुभवों को अपने शिक्षण में साझा कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि कक्षा में जो चर्चा किए गए मुद्दे हैं उन पर बच्चे अपने अंतर्दृष्टि विकसित करें। अंतर्दृष्टि विकसित करने का तात्पर्य होता है कि हम जब कोई भी चीज़ उनके साथ में बात करें तो कक्षा तो ख़त्म हो गई लेकिन उसके बाद उन्होंने उस संप्रत्यय से जुड़े हुए बात को क्या समझा और उसके बारे में अब वह क्या सोचते हैं, इसको भी जानने का प्रयास करना चाहिए। और इस चीज़ को रखने के लिए सबसे बड़े बात जो हमें ध्यान रखनी है वह है गत्यात्मकता की, मतलब कक्षा में प्रश्न हों, कक्षा में क्रियाएं हों और कक्षा में बच्चे और अध्यापक साथ में अधिगम करते हुए हों, बोझिल दी कक्षा न लगे। जैसे अभी भी हम केवल आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपके प्रश्नों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं ले सकता, लेकिन अगर हम यहीं आपके साथ में बैठे हुए होते तो आप हमसे प्रश्न कर सकते, हम आपके उत्तर को देने में प्रयास करते। हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कक्षा संपादन में कि क्योंकि बच्चे अलग अलग ज्ञान और बोध के स्तर को लेकर के आते हैं, अलग अलग अनुभवों को लेकर के आते हैं और उनका जो निष्पादन का जो क्षेत्र है वह भी बहुत अलग अलग है और स्तर भी अलग अलग है, तो पर्यावरण अध्ययन में उनका मूल्यांकन भी विभिन्न प्रकार से होना चाहिए। मतलब हम सबसे एक प्रश्न पत्र बना करके उत्तर नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि यही हमारा पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। केवल उपलब्धि कराना हम अध्यापक नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वह उन पर्यावरणीय क्रियाओं को अपने व्यवहार में ला सकें, वो अपने जीवन में इसको प्रयोग कर सके। आइए अगली चुनौतियों को देखते हैं। वह है पाठ्यक्रम संबंधित चुनौतियाँ, जो कि है सबसे पहला अधिगम को संदर्भित करना। अधिगम को संदर्भित करने से तात्पर्य
हम जो कुछ भी पढ़ाने या पढ़ने जा रहे हों तो उसका संदर्भ पहले से निश्चित होना चाहिए। इस बात को इस तरीके से अन्यथा ना लें कि हम जो बात सोच करके आए हैं कि हमें यही बताना है और वही ही उनको सिखाना है, वो नहीं है। संदर्भित होने से तात्पर्य बच्चे जो भी बातें हमें बताएं, जो भी अनुभव हमें बताएं, वह पर्यावरण से ही जुड़ा हुआ होना चाहिए, या जो बातें वह बता रहे हैं उनको हमें प्रयास करना चाहिए कि वह पर्यावरण तक कैसे पहुँचे। एक और जो चुनौती है वह है पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को वास्तविक संसार से संबंधित करना। बड़ा मुश्किल होता है हमारे उद्देश्यों को जो कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित हैं उनको हमारे वास्तविक संसार से जोड़ पाना, क्योंकि हमारी पुस्तकों में भी कई बार ऐसी चीज़ें लिखी हुई होती हैं जो बच्चों ने देखी नहीं होती है, सुनी नहीं होती है। जैसे कि पठार के जो बच्चे होते हैं उन्होंने समुद्र को अनुभव नहीं किया होगा, वो समुद्र की लहरों के साथ में कभी खेले नहीं होंगे, वो उनके साथ उसके खारे पानी का स्वाद नहीं जानते होंगे। तो हमारे पुस्तकों में अगर ऐसे विषय वस्तु हैं तो कैसे उनको वास्तविक रूप में बच्चों के सामने में लाया जा सकता है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक और चुनौती है वह है कि आसपास का अवलोकन एवं अनुभव कराना एवं इन अनुभवों को उनके पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ पाना और नए अनुभव तथा उनके नए उपयोग का सृजन करा पाना। इस बात को समझना चाहिए कि आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनमें से कौन सी चीज़ों को हमें उनको अवलोकित कराना है जिससे कि वह वो अनुभव कर सकें जो हम अनुभव उनसे करवाना चाहते हैं, इसका ध्यान दें। और इन अनुभवों से उनको ज्ञान क्या प्राप्त करना है और इस ज्ञान के साथ साथ उनको अनुभव क्या मिल रहा है और साथ ही उस अनुभव का उपयोग उनको कैसे अपने जीवन में करना है, इस चीज़ का सृजन करना भी हम अध्यापकों के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। साथ ही साथ एक और चुनौती जो कक्षा संपादन के साथ साथ पाठ्यक्रम में भी होता है कि हमें अपनी व्यक्तिगत सीमाओं से बाहर निकलना चाहिए। व्यक्तिगत सीमाओं से तात्पर्य है कि वह चीज़ें जो मुझे नहीं पता है और अगर मेरा विद्यार्थी मुझे बता रहा है तो हमें उस बात को सुनने की और कक्षा में उस बच्चे को बताने का मौका देने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि हम वो चीज़ें जो उस बच्चे के अलावा उस कक्षा में भी कोई नहीं जानता है तो भी वह हमारे पूरी कक्षा को बता सके। उदाहरण के तौर पे अवलोकन के लिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। यह एक चित्र ऐतिहासिक इमारत का है। हम बच्चों को अवलोकन करा सकते हैं इस क्षेत्र का। अवलोकन कराने के लिए हम भ्रमण का प्रयोग करते हैं। चुनौती भ्रमण कराने की है बच्चों के साथ में। 20, 30, 40 बच्चों को कैसे हम बाहर लेके जाएंगे, कब बाहर लेकर के जाएंगे, अवलोकन स्थल खुला है या नहीं खुला है, कई ऐसी चुनौतियां हैं जिनको हमें पहले से ही योजना बना करके क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। अगली जो चुनौती है वह है समय एवं संसाधनों का प्रबंधन। समय के लिए मैं आपसे पर्यावरण अध्ययन अध्यापक के रूप में कहना चाहूँगा कि समय जो भी हो तब से आरंभ कीजिए, समय बनाइए पर्यावरण शिक्षण के लिए। संसाधन जो हमारे आसपास हैं वह हमें पता होना चाहिए, वह सीमित हैं। इन संसाधनों को हमें कैसे प्रयोग करना है और इन संसाधनों को अध्यापक के रूप में हमें कैसे इसका प्रबंध करना है, इसको समझने की आवश्यकता है और इसका समुचित प्रयोग करने की आवश्यकता है, जो खुद में एक चुनौती है। क्योंकि अमूमन हमारे विद्यालयों में हम ऐसा सोचते हैं कि संसाधन नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तो मैंने देखा है कि विद्यालय खुद में ही एक बहुत बड़ा संसाधन होता है। वहाँ झूले होते हैं, वहाँ पे टाट पट्टियाँ होती हैं,
वहाँ पे श्यामपट होते हैं, वहाँ पे मटका होता है जिसमें पानी होता है, वहाँ हैंडपम्प लगा हुआ होता है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम सोचते ही नहीं कि वह पर्यावरण अध्ययन के संसाधन के रूप में प्रयोग हो सकती है। हमें प्रयास यह करना है कि जो कुछ भी हमारे विद्यालय के प्रांगण में हों उनको कैसे हमें हमारे पर्यावरण शिक्षण के लिए प्रयोग करना है, जिनसे बच्चों के अंदर ज्ञान, अभिवृत्ति, प्रतिभागिता की भावना और विभिन्न प्रकार के मूल्यों का रोपण हो सके। संसाधनों को प्रयोग करना आवश्यक नहीं है, लेकिन संसाधनों की सहायता से उनके अंदर कौन कौन से मूल्य रोपित करना है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। आइए ज़रा देखते हैं कि कितने प्रकार के संसाधन हमारे आसपास हो सकते हैं और उन संसाधनों को हम प्रयोग कर सकते हैं। पहला संसाधन है सामुदायिक संसाधन। यह संसाधन सामान्य रूप से वह संसाधन होते हैं जो हमारे बच्चों के आसपास उपस्थित होते हैं, जैसे उनके घर में उनके बड़े और उनका घर, उनके घर के आसपास उनके पड़ोसी जो उनके साथ में हमेशा कुछ आदान प्रदान करते हैं। स्थानीय संसाधन जैसे कि हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस और भी बहुत सारी चौपाल की जगह है, खेत जो हमारे ध्यान में ही कभी नहीं आती कि वह हमारे संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। स्थानीय रूप में कई ऐसी दुकानें भी अब खुली हैं जहाँ पे हम विभिन्न प्रकार के बीजों को, उन्नत फसलों को भी बच्चों को दिखा और बता सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन के रूप में उनके घरों में, खेतों में प्रयुक्त खेती के पौधे, पेड़, कुएं, जानवर, वो सभी चीज़ें जो प्रकृति प्रदत्त हैं वो प्राकृतिक संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। अगर हम कुछ और आगे बढ़ें तो मीडिया संसाधन हमारे आसपास क्या है उस पर भी हम ध्यान दे सकते हैं। अमूमन अब तो गांवों में जो समाचार पत्र है वह भी बहुत सारे पहुंचने लगे हैं। अब मुझे तो पता है मोबाइल भी गांवों में प्रयोग किया जा रहा है। माइक्रोफोन्स, लाउड स्पीकर्स और चलचित्र के विभिन्न मीडिया ऐसे हैं जो गांवों में प्रयोग किए जा रहे हैं। अब अध्यापक को कक्षा में कैसे इनको प्रयोग करना है इसके लिए योजना बनानी पड़ेगी और इस योजना को कैसे क्रियान्वित करना है यह एक चुनौती हो सकती है। प्रौद्योगिक संसाधन में विभिन्न प्रकार की छोटी मोटी जो फैक्ट्रियां हो सकती हैं वो हो सकती हैं, ऐसे कई कारीगर होते हैं जिनकी अपनी मशीनें होती हैं, जैसे लकड़ी का कार्य करने वाले बढ़ई लोग, विभिन्न प्रकार के छोटी छोटी ऐसी प्रौद्योगिक संस्थान हो सकते हैं जो बच्चे अपने घर में भी देखते होंगे, जैसे उन्होंने अपनी मम्मी को, चाची को और आसपास के लोगों को पापड़ बनाते हुए, अचार बनाते हुए देखा होगा, लेकिन वो भले ही एक फैक्ट्री के रूप में ना बनाते हों लेकिन संसाधन के रूप में अध्यापक उनका उदाहरण ले सकता है और उनका प्रयोग पढ़ाने में कर सकता है। कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जिनको अध्यापक के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं, वह है मानव निर्मित संसाधन। वैसे जो हमने पहले भी बात की उनमें से कई मानव निर्मित संसाधन हैं, लेकिन अध्यापक के रूप में हमें उन संसाधनों के बारे में भी बात करना है जो हम अपने कक्षा में पढ़ाते वक्त प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेनल बोर्ड, सॉफ्ट बोर्ड्स के जैसे और बोर्ड्स होते हैं जिनमें हम बच्चों से चिपकाने के लिए नई अपनी वस्तुएं जो उन्होंने बनाई हैं उनको टांगने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आज हमने पढ़ा कैसे हमें हमारी चुनौतियों को समझना है। मूल रूप से हमारी चुनौतियां तीन क्षेत्रों में होती हैं, कक्षा संपादन क्षेत्र, पाठ्यक्रम संबंधित चुनौतियां, समय और संसाधन के प्रबंधन की चुनौतियाँ।
इन चुनौतियों में हमने समझा कक्षा संपादन में जो चुनौती होती है वह है कैसे कक्षा को छात्र केंद्रित करें, बच्चों को उनके अनुभवों के साथ में कैसे हमारे उद्देश्यों के साथ में जोड़ें। हमने यह भी जाना कि कैसे अधिगम को हम ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। एक और चुनौती जिसको हमने समझा वह है कैसे समझने और समझाने के तरीके को लचीला बनाया जा सकता है। हमने यह जाना कि हमें कक्षा में मुख्य प्रश्नों को सम्मिलित करना चाहिए, कक्षा में जिन चीज़ों को हमने चर्चा किया है उनसे कक्षा उपरांत बच्चों से अंतर्दृष्टि लेनी चाहिए। यह जब हम करते हैं तो कक्षा में गत्यात्मकता होती है। हमने इस बात को भी समझा कि बच्चों के मूल्यांकन में हमें विभिन्न प्रकार के उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग करना चाहिए। पाठ्यक्रम संबंधी चुनौतियों में हमने समझा कि हमारा अधिगम जो है वो संदर्भित होना चाहिए, विषय वस्तु को वास्तविक संसार से जोड़ने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, हमें आसपास के अवलोकन अनुभव को ज्ञान के साथ साथ उनके उपयोग के लिए प्रयास करना चाहिए। एक और चुनौती जिसकी हमने बात की वह है हमारी व्यक्तिगत सीमाओं से हमें बाहर निकलना चाहिए। हमने यह भी जाना कि अवलोकन के लिए हमें हमारे बच्चों को बाहर ले जाने के लिए हमारी नई स्थितियों को पहचानना पड़ेगा, उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी और उसके क्रियान्वयन में लाना पड़ेगा। हमने यह भी जाना हम हमेशा से परेशान होते हैं समय और संसाधनों के प्रबंधन की चुनौती को लेकर के, तो समय जो हो वो आज का है, अभी का है, अभी से आरंभ कीजिए, वही आपका समय है। संसाधन भले ही सीमित हो लेकिन उसको समुचित प्रयोग करके हम प्रयोग कर सकते हैं। हमने जाना कि विभिन्न प्रकार के संसाधन कौन कौन से हैं, जैसे सामुदायिक संसाधन, सांस्थानिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मीडिया संसाधन, प्रौद्योगिकी संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। मैं आशा करता हूँ अब इन चुनौतियों को आप समझ गए होंगे और इन चुनौतियों के लिए आप कुछ तैयार भी हो गए होंगे और हो सकता है आप शायद इन चुनौतियों को अब पहचान पाएंगे अपनी कक्षा में। हम यही चाहते हैं आप इन चुनौतियों को चुनौती तो समझें लेकिन साथ ही साथ प्रयास करें कि इन चुनौतियों से कैसे आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि चुनौतियाँ ही हमें अनुभव और अधिगम के लिए प्रेरित करती हैं। धन्यवाद।